राजस्थान के बारां समरानिया में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान संचालित स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय समरानिया में वंदना सत्र के पश्चात भारत माता के महान सपूत व महान संत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का कार्यक्रम युवा दिवस के रूप में उल्लासपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता घनश्याम वर्मा, जिला नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्रमुख बारा ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के विषय में उनका जीवन परिचय, जीवन के अनेक प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से आचार्य परिवार एवं भैया बहनों के पाथेय प्रदान किया। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि प्रत्येक गांव से यदि मुझे एक जुझारू युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल दूंगा, और कहा कि हमें उनके बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य किया जा सकता है। उनका श्रेष्ठ कथन उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं रुको। विद्यालय के उत्सव एवं जयंती प्रमुख प्रवेश चंदेल ने कहा कि सन्यासी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को पढ़ने, समझने व उनके जीवन के किसी आदर्श गुण को अपने जीवन में धारण करने का आग्रह करते हुए समस्त आचार्य परिवार तथा भैया बहनों को विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। ताकि हम सबको विदित हैं जिस राम से हमारा विद्यालय चलता है और उस जिनकी प्रेरणा से हमारा विद्यालय जो चलता है, उस प्रेरणा सूत्र ऐसे देव ऋषि, ऐसे युवाओं के हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आज है। ऐसा कहते हैं कि विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी और हिंदुओं का सबसे पवित्र जो त्योहार है मकर संक्रांति के दिन इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद देश के ऐसे महान सन्यासी और तपस्वी बने हैं जिन्होंने अपने भारत का नाम विश्व के जो पटल है विश्व का उसमें स्वर्ण अक्षरों से इन्होंने लिखाया है। ऐसे स्वामी विवेकानंद, एक घटना है शिकागो जहां पर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, उस सर्वधर्म सम्मेलन से भारत का जिन्होंने प्रतिनिधित्व करने का जो जिम्मा लिया था वो स्वामी विवेकानंद जी थे। जब वह अमेरिका में शिकागो में उस शहर में वो पहुंचे तो विवेकानंद जी को उन्होंने सोचा ये तो साधु महात्मा है, ये क्या बोलेंगे, और यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान हैं, अंग्रेज हैं, बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, बड़े बड़े है ना जो लोग हैं जो बहुत ज्ञानवान हैं, और ये एक साधु सन्यासी भारत से प्रतिनिधित्व करके आए तो क्या बोले। केवल केवल मात्र भारत को 2 मिनट दिया, इनको 2 मिनट का, 2 मिनट में जो भी बोलना है इनको 2 मिनट में बोलना था, केवल भारत के लिए बोलने का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल मात्र इनको 2 मिनट दिया है। अब आप जानते हैं 2 मिनट में कितना बोल सकते हैं। जब जैसे ही भारत की बारी आई, सब अपने अपने राष्ट्राध्यक्षों ने अपने अपने राष्ट्र के विचार रखे, अपने अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व रखा, और इन्होंने भी अपना प्रतिनिधित्व जैसे ही प्रारंभ किया तो वहां इन्होंने सबसे पहले जो शब्दों का इस्तेमाल किया, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर इन्होंने संबोधन किया। तो ये सुनते ही तुरंत तो वह पूरा जो मंच जो जिस स्थान पर यह सभा हो रही थी वो तालियों की गड़गड़ाहट से वो क्या है पूरा मंच सभा एकदम गड़गड़ाहट वो चलती रही, और इनको सुनने के लिए लालायित हो गए, लोगों को पता नहीं लगा। और जैसे जैसे इन्होंने अपने भारत का व्याख्यान करने लगे, भारत के ये अपने जो भारत के बारे में भारतीय संस्कृति को बताने लगे तो लोगों को पता नहीं लगा कि कितना समय, और लोग क्या ये आगे बढ़ते गए, लोग पीछे हटते गए, लोग जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, क्योंकि जैसे जैसे पीछे हटते ये आगे बढ़ते गए लोग पीछे हटते गए तो लोगों को पता ही नहीं लगा, वो ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए कि इनको सुनने के वो उनका टस से मस नहीं हुए, अर्थात यानी कि उन्होंने सुनने का ऐसे भाव विभोर हो गए कि उन्होंने अपना ध्यान ही पूरा ध्यान संपूर्ण खींचकर इनके प्रवचनों को, उनको लगा कोई सन्यासी प्रवचन कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।